देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जो पुराने लोग थे उनके पास मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, तो मतलब वो उस चीज को किसी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से बदल दिया करते थे। तो वही वही सेम चीज हमें हर रिलीजन में मिलती है, वही वही सेम चीज तो इस्लाम लूजिंग में भी फेथ साहब, मिलती है। यानी कि आपका ये दावा है कि आज आपके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। उन चीजों का एक्सप्लेनेशन जरूर है जिसको उन्होंने सुपर नेचुरल चीज से जोड़ा था। जी अच्छा, लेकिन आज भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एग्जाम्पल दें आप किस चीज का। फाइन ट्यूनिंग, अच्छा, कुछ भी कह देना एक्सप्लेनेशन है या उसका कुछ सबूत उबूत भी दिया जाता है? अब मल्टीवर्स के बारे में तो कुछ भी कह, मतलब उसका कोई सबूत तो है नहीं, आपने देखा या किसी ने देखा है मल्टीवर्स? अच्छा, और एक बात नहीं, और उस आसिफ भाई, मल्टीवर्स एक में और कहा। मसला उसमें ये है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिजिकल चीज की, और उसके बावजूद उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको दिखा पा रहे हैं, ना उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, सुपरनेचुरल ये के तो बारे में डोगमा कम हो से गया जी मुफ्त साहब, ये ये तो तो डोगमा हो गया ये डॉगमा है, सुपरनेचुरल जी। के बारे में कम से कम ये दावा तो नहीं है कि वो फिजिकल है। हमारे साथ हैं लूजिंग फेथ, ये कौन है जी? लूजिंग फेथ साहब, ये क्या ना कैसा नाम है? लूजिंग फेथ क्वेश्चंस। जी मैं हेलो, मतलब एक बेसिक चीज पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत। आप क्या हैं आप? जी मैं रिलीजन को नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि रिलीजन जो सारी चीजें वो पुराने लोगों ने डेवलप की हैं और वो बिल्कुल ही गलत है। आप वही क्वेश्चन से जो पिछली दफा आए थे आई थिंक, क्या जो ये कह रहे थे जी कि जी यानी कि वो हदीस पे आपने पूछा था कि सूरज जी जो है वो अर्श के नीचे जाता है, सजदा करता है, वही जनाब है क्या आप? जी 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 मैं वही। अच्छा अच्छा आप पहले अच्छा मुसलमान थे ना या मुसलमान नहीं थे, कुछ और थे? जी मैं मुसलमान अच्छा मुसलमान अच्छा तो आपके नजदीक जो रिलीजन है वो क्या है? रिलीजन्स मतलब सारे पुराने लोगों की डेवलप की हुई थिंकिंग थी जो कि आज किसी भी तरीके से कंपेटेबल नहीं है, आज गलत साबित होती जा रही है और होगी भी किस आगे, माने में कंपेटेबल ऐसा नहीं मेरा है? मानना। किस माने में कंपेटेबल नहीं है और किस माने में गलत? मतलब मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, रिलीजन का मतलब मैं तमाम रिलीजन के बारे में नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम के बारे में, कि वो किस तरीके से कंपेटेबल नहीं है और वो किस तरीके से जो है वो गलत साबित होती जा रही है। नहीं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जो पुराने लोग थे उनके पास मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, तो मतलब वो उस चीज को किसी सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन से बदल दिया करते थे। तो वही वही सेम चीज हमें हर रिलीजन में मिलती है, वही वही सेम तो चीज इस्लाम लूजिंग में फेथ भी साहब, मिलती है। यानी कि आपका ये दावा है कि आज आपके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। नहीं, हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो एक ठीक, तो कंक्लूजिव, जो मतलब एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आज है। भी आप जो है वो पुराने लोगों में और आप में कोई फर्क नहीं है कि पुराने लोगों के पास जो है 8 चीजों की एक्सप्लेनेशन नहीं थी 10 में से, आपके नजदीक 5 की नहीं है, 5 की 3 आपने बढ़ा लिए हैं, 5 आज भी नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं होने की कैटेगरी में आज आप भी पुराने ही लोगों की तरह है। ठीक नहीं है, नहीं एक्सप्लेनेशन होने की बात मैं नहीं कर रहा, आप सुन ले। एक्सप्लेनेशन जो उन लोग के लोग दिया करते थे चीजों को, वो मतलब बहुत हटके, क्योंकि अगर आप कोई चीज मैं फिनोमेना समझ देख रहे गया। हो। आपका जो बेसिक आर्गुमेंट है रिलीजन के बारे में वो ये है कि पहले लोगों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ करती थी चीजों की, तो उन्होंने जो है उसको सुपर नेचुरल फिनोमेना से जोड़ दिया। ठीक है, जी ये तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या आपके पास आज सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन है? जी बेसिक बेसिक चीजों की बात करी जाए तो है, लेकिन सारी चीजों की तो तो ऑब्वियसली नहीं आज हो मतलब आज भी सकती। एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब आप में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उनके पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था बहुत चीजों का और आपके पास भी बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। नहीं, होने ना होने की बात नहीं, उन लोगों के नहीं, पास होने नहीं होने पे ही तो एक्सप्लेनेशन सारा है ना, आपका मुद्दा शुरू ही होता है नहीं। इस क्लेम के साथ कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। आपका स्टेटमेंट तो शुरू ही हो रहा है ना, आपका आपका जो बेसिक जो समझें कि मुकदमा है वो यही है कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो क्या आपके पास है? नहीं, जिन चीजों का उनके पास एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे नहीं था और उन्होंने सुपरनेचुरल चीजों से जोड़ दिया, बहुत उसका सारी आज हमारे चीजों का पास नहीं था उनके पास उसका एक्सप्लेनेशन, आपके पास भी तो बहुत सारी चीजों का नहीं है ना। हाँ या ना नहीं बोले, नहीं फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। नहीं, उन चीजों का एक्सप्लेनेशन जरूर है जिसको उन्होंने सुपर नेचुरल चीज से जोड़ा था। जी अच्छा, लेकिन आज भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एग्जाम्पल दें आप किस चीज का। फाइन ट्यूनिंग, क्या फाइन ट्यूनिंग फाइन जो है वो ट्यूनिंग? यूनिवर्स में फाइन फाइन ट्यूनिंग और ट्यूनिंग नहीं, एग्जिस्ट करती है। नहीं उसके बहुत सारे साइंटिफिक व्यू में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट देते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी?
ये फाइन ट्यूनिंग जो है वो, यानी कि साइंटिस्ट यही देते हैं कि किसी एलियन ने बना दिया, ये है साइंटिस्ट का जो है वो, नहीं, जो सो कॉल साइंटिस्ट है ना, उनका यही है आर्ग्यूमेंट कि किसी एलियन ने बना दिया, ये फाइन ट्यूनिंग किसी एलियन ने कर दिया है। जी ऐसा नहीं, आप मतलब देख सकते हैं, आप इसको अगर थोड़ा ढूंढेंगे उन लोगों की क्या एक्सप्लेनेशन है तो मिल जाएगी। मैंने भी पढ़ा हुआ है लेकिन मैं उतना क्या उसमें नहीं पढ़ा हूँ एक्सप्लेनेशन कि है, आप ही आपको बता दें कि बता क्या इसकी सकूँ। क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ये फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आ गई है, कैसे आ गई है, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका साइंटिफिक। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जैसे एक चीज मल्टीवर्स का दिया जाता है कि हाँ तो बहुत सारे मल्टीवर्स, वही मल्टीवर्स वही तो मतलब कहा ना एलियन। जब अरे यार भाई, संभावनाएं मैंने बहुत तो वही बात की, एलियन एलियन ही तो मल्टीवर्स अच्छा से आएगा ना, और कहाँ से आएगा। कुछ भी कह देना एक्सप्लेनेशन है या उसका कुछ सबूत उबूत भी दिया जाता है। अब मल्टीवर्स के बारे में तो कुछ भी कह मतलब उसका कोई सबूत तो है नहीं, आपने देखा या किसी ने देखा है मल्टीवर्स? नहीं तो उस हिसाब से मल्टीवर्स देखा नहीं, लेकिन वो हाइपो मतलब आपने कहा एक एक्सप्लेनेशन होना हाइपोथेसिस है चाहिए, ना, तो तो उसमें और एक्सप्लेनेशन तो सुपरनेचुरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। जैसे आपने सुपरनेचुरल को नहीं देखा, नहीं मानते, मल्टीवर्स को भी नहीं देखा, नहीं मानते, जी, बिल्कुल वही बात है। तो कोई किसकी मर्जी तो लेकिन आपने सुपरनेचुरल वो माने, सुपरनेचुरल जिसकी की बात मर्जी की, फिर आप सुपरनेचुरल पर तो आपको एतराज हो रहा है और मल्टीवर्स पे कोई एतराज नहीं, आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट की ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं, तो वो ये तो सुपरनेचुरल चीज नहीं है ये ना, कुछ वो बायसनेस सी लग रही है मुझको यहाँ पर। नहीं, वो फिजिकल एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। मल्टीवर्स एक फिजिकल एस्पेक्ट है, उसमें कोई थोड़ी ऐसी चीज की बात हो रही है कि जैसे वो देखें वो अलग बात चीज सही है, है। लेकिन रीजनिंग पे साहब वो मल्टीवर्स से भी तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा ना, फिर पूछा जाएगा उस मल्टीवर्स में कहां से फाइन ट्यूनिंग आ गया। अच्छा, और एक बात नहीं और उस आसिफ भाई, मल्टीवर्स एक में और कहा, मसला उसमें ये है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिजिकल चीज की और उसके बावजूद उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको दिखा पा रहे हैं, ना उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। और हाँ सुपरनेचुरल ये के तो बारे में डोगमा कम हो से गया जी मुफ्त साहब, ये ये तो तो डोगमा हो गया एग्जैक्ट ये डॉगमा है। सुपरनेचुरल जी। के बारे में कम से कम ये दावा तो नहीं है कि वो फिजिकल है। देखिए उसके बारे में मतलब चार पांच एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। अगर आप अगली दफा इसके बारे में बात करना चाहें तो मैं ज्यादा बेहतर समझूंगा। जी चलें ठीक है, तो आपका जो ये क्लेम था कि बहुत सारी चीजों का नहीं पता था इसलिए सुपरनेचुरल फिनोमेना के बारे में बात की लोगों ने, तो बेसिक आज फिर से है कि क्या आपको बहुत सारी चीजों का पता हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें जो है जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता था और इसलिए उन्होंने सुपरनेचुरल कहा, क्या आपको सारी चीजों का पता हो गया, नहीं हुआ। जी उन चीजों का जरूर पता हो गया जिनको वो सुपर मतलब वो अर्थ पे ही रहते थे, तो अर्थ की ही ज्यादा ये आसमान की चीजों इन सबको देख के ठीक ठीक मतलब ठीक मैं समझ रहा सुपरनेचुरल। हूँ, लेकिन आप आपने आसमान से आपने जो है वो अर्थ से थोड़ा बाहर की चीजों को देखने लगे, तो आपको और भी चीजें, पहले तो भाई लोगों को 10 चीजें पता थी, उसमें से 8 का पता था, 8 का नहीं पता था, 2 का पता था, आज आपको 100 चीजें पता है जिसमें आपको 10 पता है, 90 नहीं पता है, तो रेशियो तो और चीजें बढ़ गई हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आप उससे तो और चीजें बढ़ गई है, और डोमेन जो रेशियो है चीजों के एक्सप्लेनेशन का वो और अब बढ़ गया है कि हमें नहीं पता। तो आप अब इस चीज को जो है वो सुपरनेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे, पीछे में तो लास्ट में तो लोगों ने कनेक्ट नहीं कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे। जी देखिए, जो पुराने लोग थे उनके पास नॉलेज बहुत कम थी, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज थी वो अर्थ से ही फिनोमेना से रिलेटेड या फिर कोई चीज अच्छा, और आसमान में आज हो के रही है लोगों ऐसे के पास नॉलेज पहले। बहुत है, नहीं जी कंप्लीट कर लीजिए, जैसे आज हम लोग स्पेस में भी मैं जा समझ चुके रहा हैं हूँ मतलब आपका सारा आर्गुमेंट, मैं समझ रहा हूँ आपका बेसिक क्लेम ये है कि पहले के लोग तो अर्थ पे ही रहते थे, अर्थ से जैसे उन्होंने यूनिवर्स को देखा उसी हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया, जो चीजें नहीं समझ में आई उसको उन्होंने सुपर नेचुरल कह दिया। सेम क्वेश्चन है कि ठीक है आज लोगों ने जो है वो अर्थ को छोड़ के बाहर थोड़ा कैमरे वैमरे सैटेलाइट दौड़ा दिए हैं, ठीक है, और बहुत सारे जो है वो मफरूजात कर लिए हैं, बहुत सारी चीजें जो है इजाद कर लिया है, तो इससे क्या ऐसा हुआ है कि तमाम क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, या जिनके नहीं मिले हैं उसको आज के लोग सुपरनेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते, क्योंकि आपके नजदीक तो नहीं सुपरनेचुरल से सारा इसलिए कनेक्ट कर दिया कि पहले तो पता नहीं था क्वेश्चन, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका पता नहीं है, उसको लोग जो है सुपरनेचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते। नहीं तो आज के लोग कौन, अगर आज आप बात करें तो कोई जैसे नॉर्मल वैसा सा व्यू पॉइंट का बंदा नहीं है जो जैसे आप जो रेशनल रेशनल लोग जो जिनको यानी कि जिनका इतना ज्यादा मेयार है कि वो इस्लाम पे यकीन क्यों करेंगे, तो आप जैसे रेशनल लोग, ठीक है, वो जो नहीं है नहीं वो जी सुपरनेचुरल से इस, वो जुमला इस्तेमाल ना करे जो मैंने पिछली बार, वो आपने सॉरी मैंने आपने गलती लास्ट से टाइम ही कर कहा दिया था ये था। बात, आपने लास्ट टाइम ये बात कही थी इसलिए मैंने इस्तेमाल की, आपकी नहीं कही वो हुई बात। आप लोग गलत मैं उसको बता देता हूँ, आप लोग गलत समझ मेरा मतलब मैं वहां पे क्या गया था, आप मेरे जैसे मतलब मेरा मतलब वहां पे ये था कि जो मतलब थोड़ा लॉजिक तर्क या फिर रीजनिंग को मानने वाले लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रीजनिंग को सॉरी आप अगर मैं कहाँ उस मान टाइम। रहे हैं, आप तो आप रीजनिंग को नहीं मान रहे ना,
जी कैसे रीजनिंग को तो आप नहीं मान रहे। कैसे कैसे बताइए। रीजनिंग बताती है कि एक डिपेंडेंट चीज के लिए एक इंडिपेंडेंट चीज का होना जरूरी है, लेकिन आप नहीं मानते इस बात को। नहीं आप पॉइंट पे रहे, आप जो सवाल कर रहे थे वो दूसरा नहीं, पॉइंट हो आपने जाएगा कहा ना वो। कि रीजनिंग, हमारे जैसे लोग जो रीजनिंग को मानने वाले हैं, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि आपका ये क्लेम गलत है कि आप रीजनिंग को मानने वाले हैं। नहीं, ठीक है, वो ये गलत दूसरे क्लेम है। अल्फाज में, इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह रखा जा सकता है कि आपने कहा कि भाई पुराने जो लोग थे वो हर चीज को सुपर नेचुरल उसकी इंटरप्रिटेशन दे देते थे, तो सुपर नेचुरल का जो एग्जिस्टेंस है वो रीजनिंग बेस्ड है या रीजनिंग बेस्ड नहीं है, डॉगमेटिक है। ऑब्वियसली रीजनिंग पे वो खरा नहीं उतरता, वो तो कोई भी कुछ भी बना के चला जाएगा। चलें ठीक है, चेक कर हाँ लेते हैं ना अब कि आपकी थॉट जो है इसी को वो, चेक करें हम। हाँ आपकी थॉट जो है वो रीजनिंग पे खड़ी उतरती है, या हम, हमारी जो इस्लाम की थॉट है वो रीजनिंग पे खड़ी उतरती है। चेक कर लेते हैं इसको। नहीं जी देखिए, मैं मतलब एक मैं अपना पॉइंट लेके आया था, अगर मैं उस पर डिस्कशन कर सकूँ तो मुझे ज्यादा देखिए अच्छा लगेगा। पॉइंट पॉइंट देखिए पॉइंट अंदर के हैं, वो उस वक्त तक डिस्कशन नहीं हो सकते जबकि हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सेट नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चंस के जब आंसर सेट नहीं होंगे तब तक हम पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। हम इस पे बात नहीं कर सकते कि इस्लाम में जो है वो मर्द तलाक क्यों देता है, औरत क्यों तलाक नहीं देती। हम नहीं इस नहीं पे बात नहीं कर नहीं सकते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मेरा सारी चीजें जो है वो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर सेट करने से होंगे। तो आप बताएं कि आपका ये क्लेम है कि हम जैसे, यानी मजहब जो है वो रीजनिंग पे बेस्ड नहीं है और आप जो है वो रीजनिंग के फॉलोअर है, मानने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जी सबको पता है कि हम डिपेंडेंट है, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, जहां तक हमने एक्सप्लोर किया, जहां तक हमने जाना है, साइंस की जितनी भी थ्योरी है यूनिवर्स के बारे में, सब बतलाती है कि साइंस जो है वो डिपेंड, सॉरी, जो यूनिवर्स है वो डिपेंडेंट है। तो और रीजनिंग, रीजनिंग का ये तकाजा है कि हम एक डिपेंडेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट को माने, लेकिन आप नहीं मान रहे। नहीं तो वो डिपेंड इंडिपेंडेंट जो है कोई आप वो उस पे लगा देते हैं कि वो गॉड का होना ही हम जरूरी है। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं नहीं, हम वो इंडिपेंडेंट बात तो नहीं कह रहे हैं। कोई आप भी चीज हो इंडिपेंडेंट सकती को है मानते हैं, आप वो कुछ भी हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट को मानते हैं। ना। हाँ साइंटिफिक व्यूपॉइंट में कोई इंडिपेंडेंट चीज हो सकती है जो जिसने कॉज साइंटिफिक किया हो नहीं, कोई अभी हम एनर्जी या रीजनिंग फिर पे बात कर रहे हैं। आप रीजनिंग और साइंस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का फर्क समझते हैं? लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वो रीजनिंग पे ही कई हद तक बेस्ड ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को रीजनिंग से क्या लेना देना? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी तो इंडक्शन, इंडक्टिव इसको फॉलो करती है ना, रीजनिंग को, यानी कि वो तजर्बाती, यानी कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हाँ लेकिन उसमें रीजनिंग का भी यूज होता है, बहुत हद तक होता है जहां तक मुझे पता है। आप यानी कि इस फर्क को समझते हैं, रीजनिंग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के फर्क को समझते हैं आप? रीजनिंग बेस्ड जी नॉलेज वो देखिए होता है जो आपके, जो आपको आपके अकल से समझ में आती है, ठीक है। उसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और या एक्सपेरिमेंट जो है वो जरूरी होता है। लेकिन जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी मतलब एक उस पे रीजनिंग या फिर कहें लॉजिक के बेसिस पे ही कर रहे होते हैं कि मतलब मेरे एक भाई चीज लगा देखें, के। एक मैं आपको सलाह दूं, वो ये कि आपने इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया कि आपने अपना मजहब या दीन जो भी आप फॉलो करते होंगे वो छोड़ दिया साइंस के चक्कर में, लेकिन साइंस की जो मेथोडोलॉजी और बुनियादी जो चीजें हैं उसका मुझे लग रहा है कि आपको अभी उतना इल्म नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो एम्पिरिसिस्ट नहीं होते बल्कि वो रैशनलिस्ट या रैशनलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं बजाय इंडक्टिव के, तो फिर आपको तो फिर बुनियादी चीज भी नहीं पता ना साइंस की। फिर साइंस की बुनियाद पर आपने कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया मजहब? साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं, मतलब जो उसमें चीजें थी वो मतलब मुझे समझ में वो ही चीजें नहीं आती हैं आपने, रिलीज। वो चीजें मेरे भाई आपको इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आपने साइंस की बुनियाद पर उन चीजों को परखा। अब जिन चीजों की जब आप उनको परख रहे थे तो उसके लिए ये जरूरी है ना कि साइंस का इल्म हो। साइंस किस तरीके से काम करती है उसका इल्म है नहीं जो हमें लग रहा है, तो फिर आपका परखना कैसे सही हुआ? ये भी तो हो सकता है कि आपको गलती हुई हो। नहीं जी ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ गलती हुई है। वो इसलिए कि जब आप साइंस की मेथोडोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझसे गलती नहीं हुई और बात कर रहे हैं साइंस की।
मतलब मैं एक कोई आपके ऊपर इसको बुरा मत मानिएगा, अटैक नहीं कर रहा हूँ, एक मुखलिसाना बात कर रहा हूँ। हमारे भाई चलेगा जी आपसे जो है, ये एक बिल्कुल मुखलिसाना दरख्वास्त थी कि इसलिए हम अपने लोगों से, ऐसे लोगों से कहते हैं कि पहले आप अपना ग्राउंड जो है वो चेक करें कि जिस ग्राउंड पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो खुद मजबूत है या नहीं है फाउंडेशन। और हरगिज़ जो है वो इस तरह के, इसका मकसद नहीं होता कि हम जो है वो बस हमारा काम ये है कि हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद इसको जो है वो सही से लेंगे और आप अपने इस डिसीजन को फिर से रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि मैंने जिन बुनियादों पे ये डिसीजन लिया है कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है।